हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको मेरी अगली नोटिफिकेशन मिल सके। और आज मैं आप सभी के साथ ये 3 मोल्ड पीस शेयर करने वाली हूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को अपना ये केक मोल्ड दिखाने वाली हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। इसमें 3 पीसेज हैं और राउंड शेप केक मोल्ड है। ये नॉन स्टिक है। हम जब भी घर में केक बनाते हैं तो हमें सबसे पहले केक के बनाने से पहले केक मोल्ड चाहिए होता है। मेरे पास 2-3 शेप्स हैं, लाइक स्क्वायर शेप भी है, रेक्टेंगल शेप भी है, राउंड शेप में भी हैं। लेकिन कभी हमें 3 लेयर का केक बनाना हुआ तो एक छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, जब 3 शेप राउंड शेप चाहिए हैं तो ऐसा मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने मंगाया। और ये नॉन स्टिक है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये मोल्ड बहुत ईजिली निकलता है। जैसे हम कभी भी केक बनाते हैं तो हम बटर पेपर लगाते हैं और बटर से ग्रीस करते हैं टिन को, तो तब भी कई बार हमारा केक अच्छे तरीके से प्रॉपरली निकलता नहीं है, या तो नीचे चिपक जाता है या फिर वो बीच में से गड्ढा बन जाता है। ठोकते हैं तो कई बार क्रैक हो जाता है केक। और इसमें बहुत ईजी है, जब भी हम केक का बैटर तैयार करें और माइक्रोवेव को प्री हीट करते हैं, उसके बाद हमें जब भी टिन को ग्रीस करना है और बटर पेपर लगाना है और केक रेडी होने के बाद इसमें ये जो लॉक दिया हुआ है ना, इसे हम ऐसे जब खोलते हैं और फिर ये ऐसे करके केक बहुत ही ईजिली निकल जाता है। ये देखिए, ऐसे जिस तरीके से ये प्लेट आई है ना, इसी तरीके से केक एकदम ईजिली बाहर आ जाता है। और जब भी हम केक को इसमें अंदर डालते हैं तो फिर ये इस तरीके से इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद जब केक इसमें अच्छे से सेट हो जाता है, केक निकालने के लिए बहुत ही ईजी जो लॉक दिया हुआ है ये बहुत अच्छा है। इसे बहुत ईजीली, जैसे ये डिश बाहर आई इसी तरीके से केक आ जाता है। ये मेरी फ्रेंड के पास था ऐसा, उसने मुझे बोला था ये बहुत अच्छा है, यूज़फुल है, तो मैंने भी मंगाया है, इसलिए आप सबके साथ शेयर किया है। अब मैं अपनी केक की रेसिपी डालूँगी तब आप देखेंगे कि मैंने इसमें कितना अच्छे से केक निकाला है। जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये 3 लेयर का है। कभी अगर मुझे 3 लेयर केक बनाना हुआ तो जैसे ये बड़ा केक नीचे से बनाएंगे बेस, उसके ऊपर ये रख सकते हैं एंड थर्ड वाला, ये ऐसे रखेंगे। 3 लेयर का केक, 3 लेयर वाला केक भी बहुत अच्छे से बनेगा। और सबसे अच्छी बात है जो मैंने बोला, इसका जो लॉक है ना वो बहुत अच्छा है। केक बड़ी ही ईजिली निकलता है और पूरा प्रॉपरली सेट होके निकलता है, क्रैक नहीं होता है केक और चिपकता नहीं है इसमें। अगर आपको ये सेट पसंद आए तो आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और जब मैं अपनी रेसिपी बताऊंगी केक वाली तो आप इसमें केक ज़रूर ट्राई करिएगा। ये 3 पीस मोल्ड केक का जो मोल्ड है ये मुझे बहुत पसंद आया है। इसकी जो प्राइस है वो 995 है, लेकिन ये हमें 750 में मिला है अमेज़ॉन से। अगर आपको ये मोल्ड पसंद आता है तो आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं।